नमस्कार, मैं नीरज आर्य, डोमेन स्किल ट्रेनर, केनरा बैंक आर सिटी मेरठ से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर कोरोना यानी COVID-19 नोवेल कोरोना वायरस का प्रकोप जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दिन पर दिन इसकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हम अपने पशु को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कोरोना जो है इंसान से पशुओं में भी आ सकता है। ऐसे बहुत कम चांस देखे गए हैं कि पशुओं से यह इंसान के अंदर आया हो, मगर इंसान से पशुओं के अंदर ये आ जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है पशु बाड़ा है, इसके एंट्रेंस पे ही, यहाँ पे इसके एंट्रेंस पे चूना, जी हाँ चूना पाउडर इसके एंट्रेंस पे डाल दे, क्योंकि चूने के अंदर जो है कीटाणु मारने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे आपका पोल्ट्री फार्म हो, पिग फार्म हो, या आपका पशुवाड़ा कोई भी हो, तो यह बहुत बड़ा कीटाणु नाशक होता है चूना जो है। तो चूना का यूज कर सकते हैं आप। और जो पशुवाड़ा है, पशुवाड़े की जो है फिनाइल से सफाई करेंगे और कोनों में जगह जगह जो है चूना पाउडर डालेंगे, तो ये उपाय करेंगे। और जब भी पशुवाड़े के अंदर जाते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करेंगे और तभी जाएंगे, मास्क लगाएंगे तभी जाएंगे। जैसे उनके चारा करने के लिए, या उनको पानी पिलाने के लिए, या उनका दूध दुहने के लिए, तो ये आपको उपाय करने हैं। और इसके साथ साथ जानवरों में कोरोना वायरस ना फैले, इसके लिए हमें उपाय जो करने हैं वो मैं बताता हूँ अभी। जिस तरीके से हम अपने घर पर इनको चारा खिला रहे हैं, उसी तरीके से घर पर चारा खिलाएं, बाहर चरने के लिए ना जाने दें लावारिस पशुओं के साथ, क्योंकि उससे कोरोना फैलने की संभावना है, क्योंकि इस समय जो है हर जगह जो है कोरोना वायरस है। दूसरी चीज बात करेंगे जो इनकी प्याऊ की, जहाँ पे ये पानी पीते हैं, तो खुले में कहीं भी पानी ना पीने दें, अपने घर पर ही पानी पिलाएं और अपने घर से बाहर ना जाने दें। तो ये उपाय आप करने हैं जिससे कोरोना मुक्त हो आपके पशु, क्योंकि पशुओं को कोरोना होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि यह हमारा जो है हमारी एक तरह की संपत्ति है। ये हमें दूध देते हैं और बहुत सारे काम हैं जो हमें इनसे निकलते हैं, जैसे घी है, पनीर है, मट्ठा है, दही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हमें उपाय करने हैं। और गर्मी से बचने के लिए, जैसे गर्मी का मौसम है, तो इनको 2 से 3 बार जो है जुगाली के बाद पानी पिलाएं, और इसका जो आवास है यानी कि जो बाड़ा है पशु बाड़ा, उसका प्रॉपर वेंटिलेशन करें। जैसे कि इधर से भी खुला हुआ है और दूसरी साइड से भी खुला हुआ है, यानी प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। और यदि अधिक गर्मी है तो अधिक गर्मी से इसके ऊपर आप धूप आती है तो टाट पट्टी डाल सकते हैं, और अधिक गर्मी होने से इस पे आप जो है बोरी या टाट पट्टी पानी से भीगी हुई लटका सकते हैं, जिससे जो है गर्मी कम होती है। और जो इसके ऊपर जो ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर आप जो है फूस डाल सकते हैं, पूले डाल सकते हैं मुंजी के, तो जिससे जो है ये कम तपेगा। तो ये गर्मी के बचाव के लिए ये काम आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ पंखे लगा सकते हैं आप। जैसे कि हमने सामने देखा है कि सामने हमने पंखा लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप, तो इस तरीके से आप पंखे लगा सकते हैं, तो इससे भी गर्मी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि गर्मी से जो है पशु के अंदर दूध का उत्पादन भी घटता है और पशु जो है हांफने लगता है, तो ये समस्या आपके सामने ना आए, तो इसीलिए आप ये प्रॉपर वेंटिलेशन और पंखा, और जो मैंने बताया है कि टाट पट्टी चारों तरफ पानी से भीगी हुई लगा के रखें, जिससे यह समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये उपाय आपने पशु में करने हैं, और कोशिश करनी है आपको कि बिना मास्क के, बिना हाथ को सैनिटाइज किए अपने पशु बाड़े में नहीं घुसना है, इसके एंट्रेंस पे जो है चूना भी डाल देना है। तो ये उपाय आपको करने हैं। धन्यवाद।